ठीक है, चैप्टर नंबर 11, बायो एनर्जेटिक। बायो की मीनिंग आपको पता है लाइफ, और एनर्जेटिक वर्ड निकला है एनर्जी से। कहां से निकला है? एनर्जी से निकला है बेसिकली आपके पास। ठीक है, तो अब देखें एनर्जी क्या है। एनर्जी आप किसको कहते हैं? एनर्जी बेसिकली क्या है? इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, कि जो काम करने की कैपेसिटी है, उस काम करने की कैपेसिटी को हम किसका नाम देते हैं? एनर्जी का नाम देते हैं। और देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमारे पास क्या है? देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की हमारे पास डिफरेंट फॉर्म है, जैसे कि आप देखते हैं कि आपके पास यूं कह लें हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, केमिकल के अलावा मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, साउंड एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी की कोई एक टाइप हमारे पास मौजूद नहीं है, एनर्जी की कई टाइप्स हैं आपके पास, ठीक है। एनर्जी की कोई एक टाइप नहीं है, मैंने कहा एनर्जी की कई टाइप्स हैं। और एनर्जी जो है, यस 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 बात है, कोई एक नहीं, मैंने जब ETC कर दिया कि ये एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स आपके पास चलती ही रहेंगी, ठीक है। तो देखिए एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। आप ये जानते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे कहा कि एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना फना कर सकते हैं, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जरूर चेंज किया जा सकता है एनर्जी को, ठीक है। तो ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये तो थोड़ा मैंने बायो एनर्जेटिक, देखिए लाइफ को क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। लाइफ को जब एनर्जी मिलेगी तभी लाइफ अपने डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेगी। जैसे आप अपनी LED देखते हैं, LED को बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अलावा आप चला सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना दें तो वो LED चल जाएगी? नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। जैसे ही आप उसको पावर सप्लाई देते हैं वो फौरन से वर्कआउट करना स्टार्ट कर देती है। या आपकी बॉडी को अगर ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी ना मिले तो आपकी बॉडी वर्कआउट करेगी? नहीं करेगी। अब आप उस एनर्जी को लेने के लिए फीडिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है, फीडिंग करते हैं। फीडिंग करना मीन्स लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को आप क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। अब नीड फॉर एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास टॉपिक है। क्यों नीड है? नीड फॉर एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ठीक है, इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी जो है इज रिक्वायर्ड to perform various function, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कई function के लिए energy required होगी for their life, अपनी life के कई function को perform करने के लिए चाहिए होगी। Energy is used as a fuel of life. Energy किस तौर पे use हो रही है यहाँ पर? The energy is used as fuel
फ्यूल फॉर लाइफ, कि लाइफ का फ्यूल है, जैसे कि आप पेट्रोल टैंक देखते हैं गाड़ी का, किसी कार का, कि वो उस वक्त तक मूव नहीं करता जब तक कि उसके अंदर पेट्रोल मौजूद ना हो, वो फ्यूल जो है उस गाड़ी को मूवमेंट, कार को मूवमेंट करवाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एनर्जी भी आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करवाएगी, इवन उसमें आपकी बॉडी की मूवमेंट भी है। आप देखें ना, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, एटीपी एनर्जी चाहिए। अगर एटीपी एनर्जी होगी तभी आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं तो इनकेस नहीं होंगे। एनर्जी ना हो तो आप अपनी लाइफ के किसी एक फंक्शन को भी परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा देखें, रिकॉर्डिंग जितनी भी है, आज की, कल की, इससे पहले की, या सेंटर की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की, सारी मेरे पास मौजूद है। 5 सितंबर को रात में मैं सारी रिकॉर्डिंग आपको अपलोड कर दूंगा ग्रुप पर फिर उसके लिंक दे दूंगा। इन द लिविंग सिस्टम, इन द लिविंग सिस्टम, capturing and conversion of energy from one form to another form, from one form to another form and its utilization, and its utilization in metabolic processes, metabolic processes is called bio एनर्जेटिक। ठीक है, इसको हम किसका नाम देंगे, बायो एनर्जेटिक का नाम देंगे। क्योंकि देखिए, लिविंग सिस्टम क्या करेगा, पहले क्या करेगा, कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद फिर उसकी कन्वर्जन। जैसे चले मैं आपको एग्जांपल दूं, आप फूड को पहले कैप्चर करते हैं ना, आप जो डाइट लेते हैं उस डाइट में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, अमाइनो एसिड्स हैं। आप जो फूड लेते हैं उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आपने पहले उसको मैकेनिकल डाइजेशन की, फिर मैकेनिकल डाइजेशन माउथ के थ्रू होगी, ठीक है, फिर बॉलस बना के आप उसको अपने स्टमक के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, केमिकल डाइजेशन, वो स्टमक में स्टार्ट हो जाएगी आपके पास, वहाँ पे HCl होगा, पेप्सिन, ट्रैप्सिन, ये सारे के सारे क्या होंगे, यानी कि आपके पास एसिड्स होंगे, इंजाइम्स होंगे, वो इंजाइम्स आके उस फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो मिक्स होगी ब्लड के अंदर, शुगर की फॉर्म के अंदर, शुगर ब्लड में मिक्स हो गई। फिर अब उसमें भी अगर एक्सेस अमाउंट आ गया तो उस एक्सेस अमाउंट को मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आप पढ़ के आए होंगे फर्स्ट चैप्टर इंटर में, कार्बोहाइड्रेट से फिर इंसुलिन आती है, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर हो जाता है। फिर एट द टाइम ऑफ नीड उसको क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। तो आपने पहले फूड लिया, मैकेनिकल डाइजेक्शन की, केमिकल डाइजेक्शन की, फिर एनर्जी आई, वो ब्लड में मिक्स हुई, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है बॉडी के जिस जिस ऑर्गन, जिस जिस पार्ट को वो एनर्जी चाहिए थी, उस पार्ट ने उस एनर्जी को क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, जैसे कि आप चलें प्लांट की एग्जांपल्स ले लें, सपोज करें प्लांट क्या करता है, पहले तो कैप्चर करेगा, क्या क्या कैप्चर करेगा, सनलाइट से एनर्जी लेगा, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, फिर उसके बाद सॉइल से वाटर लेगा, फिर उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। इन तीन चीजों की मौजूदगी में, लाइट, वाटर, क्लोरोफिल, उसने इन तीन चीजों को, लाइट और वाटर को कैप्चर किया, क्लोरोफिल उसमें पहले से मौजूद था, कैप्चर करके उसने क्या करा, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, वाटर को लिया, और इसके अलावा उसने सनलाइट से क्या लिया, लाइट। इन तीन चीजों की कॉम्बिनेशन से उसने किसकी फॉर्मेशन कर ली, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस के अंदर।
ठीक है, तो देखिए पहले क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैप्चर करते हैं, फिर कैप्चर के बाद उनकी कन्वर्जन करते हैं, फिर कन्वर्जन के बाद वो यूटिलाइजेशन होती है। अब देखिए उसने क्या करा, केमिकल एनर्जी बनाई, फूड बनाया, नाइट टाइम में वो फूड ब्रेक होता है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, जब वो ब्रेक होता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, कौन सी, एटीपी। फिर एटीपी एनर्जी को अपने डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस ग्रोथ के लिए यूज करेगा, ठीक है, एंजाइम्स की ट्रांसपोर्ट के लिए यूटिलाइज करेगा, ठीक है, सेल डिवीजन के लिए यूज करेगा, रेप्लिकेशन के लिए यूज करेगा, हार्मोनल सिक्रेशन के लिए यूज करेगा। तो इस तरीके से पहले तो कैप्चर करते हैं, फिर कैप्चर करने के बाद में फिर क्या करते हैं उसके बाद में, यानी कि यस, अच्छा, कैप्चर करने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन करने के बाद यूटिलाइजेशन। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को कैप्चर करे, उसकी कन्वर्जन करे, कन्वर्जन करने के बाद उसको यूटिलाइजेशन करे, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, बायो एनर्जेटिक कहलाएगा। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ बायो एनर्जेटिक, जिसमें पहले कैप्चरिंग होगी, फिर कन्वर्जन होगा, फिर जो एनर्जी आएगी उसकी यूटिलाइजेशन होगी। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें, द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक न्यूट्रंट्स, मैं इसको रिमूव करता हूँ। देखें, द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक न्यूट्रंट्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक वर्ड निकला ही ऑर्गेनिज्म से है बेसिकली तौर पे। दीज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर, सेकंड चैप्टर में आप सब पढ़ चुके हैं, ये ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर कंपाउंड, इसके अंदर ब्रेक हो जाता है सिंपलर कंपाउंड के अंदर, तो उनमें से क्या होता है फिर, टू रिलीज एनर्जी, क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। दिस एनर्जी इज यूज्ड by living organism. इस एनर्जी को कौन यूज करते हैं, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म इस एनर्जी को यूज करते हैं। तो पता ये चला कि ये जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रंट्स हैं ये ब्रोकन डाउन होंगे सिंपलर कंपाउंड में, तो इनमें से एनर्जी रिलीज होगी। आप जानते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी। प्लांट देखें क्या करता है, सारा दिन कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर की फॉर्मेशन करता है, और नाइट टाइम में फिर ड्यूरिंग रेस्पायरेशन उसको ब्रेक करता है, जब उसको ब्रेक करता है तो वहां से क्या रिलीज होती है, एनर्जी। फिर उस एनर्जी को क्या करता है, यूटिलाइज करता है अपने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं रोल ऑफ एटीपी के ऊपर, कि एटीपी का बेसिकली रोल क्या है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, रोल ऑफ एटीपी एस एनर्जी करेंसी के तौर के ऊपर। देखिए, ऑर्गेनिक जो फूड है, ऑर्गेनिक फूड इज यूज्ड, अच्छा कल 3 बजे क्लास होगी, कल 3 बजे, 3 बजे, कल जुमा है, कल 3 बजे क्लास होगी। ऑर्गेनिक फूड इज यूज्ड एस a source of energy by living organism this food is
converted into carbon dioxide and water to produce energy. क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस एनर्जी. सम ऑफ दिस फूड यूज टू प्रोड्यूस, इस फूड का कुछ पार्ट, सम ऑफ दिस फूड इज यूज टू प्रोड्यूस एटीपी. एटीपी में लग जाता है एटीपी कंपाउंड. आप जानते हैं एटीपी क्या है, सेकंड चैप्टर में बता चुका हूं. इन दिस वे एटीपी जो है इज इन द फॉर्म ऑफ अ करेंसी ठीक है ना, ऑफ एनर्जी. तो एटीपी इज कॉल्ड हाई एनर्जी. एटीपी याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है. एटीपी इज कॉल्ड हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, हाई एनर्जी होती है. व्हेन इट इज कन्वर्ट, जब ये कन्वर्ट हो जाए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा, इसका रिमूव कर रहा हूं. When it is converted into ADP, it produces 7.3 kilo calories पर मोल एनर्जी. यानी कि पता ये चला आपको कि जो फूड था वो कन्वर्टेड हुआ. फूड बाई प्लांट ने क्या करा, लाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज किया, ठीक है, यूटिलाइज करके लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसने क्या काम करा, फूड बनाया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट. अब जब नाइट टाइम में ड्यूरिंग रेस्पायरेशन उसने इस फूड को ब्रेक किया, तो ब्रेक करने से क्या निकलेगा, इसके अंदर से दोबारा से वाटर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा आपके पास दोबारा से. अब जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आया, ये किसकी ब्रेकडाउन से आया आपके पास, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सपोज कर लें कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो आपके पास क्या था, कार्बोहाइड्रेट था. तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ तो ऐसे में ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास प्रोड्यूस हुआ, और फिर वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपके पास क्या प्रोड्यूस होगी, यानी कि एनर्जी, ठीक है. अब वो एनर्जी कौन सी है, एटीपी एनर्जी है. और एटीपी क्या है, बेसिकली एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. मैं बता चुका हूं आपको कि एडिनोसाइन कब बनता है, जब नाइट्रोजनियस बेस एडिनाइन के साथ में शुगर मॉलिक्यूल आकर के अटैच हो जाए, तो फिर वो एडिनाइन नहीं बल्कि एडिनोसाइन बन जाता है. सो एडिनोसाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड न्यूक्लियोटाइट्रोजनियस बेस एडिनाइन. और जब तीन फॉस्फेट आकर के मिलते हैं, तीन फॉस्फेट, तो ऐसे में क्या बनता है आपके पास, ट्राई फॉस्फेट, ठीक है. क्या बनता है आपके पास, ट्राई फॉस्फेट. तो ऐसी कंडीशन में कितने अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल के अंदर आपके पास क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है. तो ये तो आपके पास क्या है, देखें आपने देखा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एटीपी जब एडीपी के अंदर चेंज हुआ, एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट बने, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने देखा उसके अंदर से एनर्जी कंज्यूम हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड फॉस्फेट का मॉलिक्यूल था, थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट, उसके पास ये एनर्जी क्या थी, स्टोर थी. और जैसे ही वो थर्ड फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ, तो वो एनर्जी क्या हो गई, आपके पास रिलीज हो गई. अब इसे अगर दोबारा एनर्जी बनानी है, तो दोबारा इस एक फॉस्फेट को इसको अपने साथ ला करके क्या करना होगा, अटैच करना होगा, ठीक है. देखें यहाँ एटीपी,
यूटिलाइज होगी एडीपी। ये देखिए, ये एक इनऑर्गेनिक फास्फेट क्या हो गया, रिलीज हुआ और 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल के अंदर, चले मैं इसको ना किलो कैलोरीज पर मोल, इतनी एनर्जी क्या हो गई आपके पास, ये रिलीज हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक किसके अंदर से फास्फेट ग्रुप क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो उस एक फास्फेट ग्रुप के रिलीज होने से अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देखें कितना, यानी कि आपके पास क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये तो कब होगा, ये कब होगा, ये होगा आपके पास किसके अंदर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, फूड बनता है और नाइट टाइम के अंदर फिर वो फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। जब वो फूड ब्रेक डाउन होता है तो उसके अंदर से क्या रिलीज होती है, एनर्जी आपके पास रिलीज होती है। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा देखें, सपोज कर लीजिएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर कि ये है एक एडेनाइन ग्रुप, ठीक है, ये कंबाइन हो गया किसके साथ, एक फास्फेट के साथ, दूसरा फास्फेट, तीसरा फास्फेट ग्रुप, ठीक है। अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, स्टोर एनर्जी, इसके टूटते ही वो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी एनर्जी थर्ड मॉलिक्यूल में। ये था, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देखें, जैसे ही ये ब्रेक हुआ, सेपरेट हुआ, ये सेपरेट हो गया तो एनर्जी इसमें से आ गई कितनी, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल के अंदर। अब ये जुड़ेगा दोबारा इनके साथ इस तरीके से, तो एनर्जी इसके अंदर क्या हो जाएगी, अगेन जाकर के स्टोर हो जाएगी। तो इस एनर्जी को, यस, बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो देखें, इस एनर्जी को अगर इसने दोबारा यूटिलाइज करना है तो एटीपी बनानी होगी। जैसे आप देखते हैं ना, आपके मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर दोबारा एडीपी किसके अंदर जाती है, एटीपी के अंदर जाती है, और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहता है जब तक के आपके पास आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एटीपी यूज इन टू टाइप ऑफ द रिएक्शन, एटीपी को हम दो टाइप के रिएक्शन में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। संडे को चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट का ऑनलाइन टेस्ट होगा, संडे को, और किस दौरान होगा, 4 बजे शाम में। रात में मोस्टली स्टूडेंट्स होते ही नहीं है। जी अरीशा बोले, क्या परेशानी हो गई आपको, संडे को इंग्लिश का है, मंडे कर लें, ठीक है। मंडे को फिर किस टाइम होगा, फिर रात में हो सकेगा, दिन में तो क्लास होगी मंडे को आपकी, 8 बजे वही, बल्कि 7:30 कर लेते हैं, 7:30 पर, 7:30 नहीं, शाम में नहीं, फिर किस टाइम, टाइम बताएं मुझे, अच्छे मना कर रहे हैं ज्यादातर शाम का, दोपहर में, अच्छा क्लास के बाद रख लें, 5 बजे मंडे को 5 बजे क्लास के फौरन बाद हो गए फ्रेश टेस्ट देने के लिए, ये चले 5:30 कर लेते हैं ना, 5:30, आधे घंटे का ब्रेक, फिर दोबारा नमाज के बाद असर के 6 बजे कर लें, 6 बजे, ठीक है, मंडे को फिर 6 बजे इंशाल्लाह आपका टेस्ट।
चैप्टर 9 का कंप्लीट मंडे को शाम 6 बजे फिर सुन लीजिएगा। अब ग्रुप में कोई ना पूछे कि टाइमिंग 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 किस दिन कौन सा चैप्टर, चैप्टर 9 कंप्लीट और आज रात में आपको चैप्टर 8 का रिजल्ट भी मिल जाएगा आज रात में, ठीक है। और वीडियो मैंने कहा ना कि मैं 5 सितंबर को रात में अपलोड कर दूंगा सारी वीडियोस, ठीक है जी। अच्छा, एटीपी इज यूज इन 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 टाइप के रिएक्शन में यूज होती है, एक है एंडरगोनिक रिएक्शन। देखिए मोस्टली आपके कोर्स मेरे ख्याल खत्म होते जा रहे हैं, इंग्लिश का कोर्स आपका खत्म है, एंड पर है, ठीक है। अब टेस्टिंग शुरू हो गई है, वीकली आपके जो है रिवीजन होता रहेगा, टेस्टिंग होती रहेगी। फिजिक्स आपकी फर्स्ट ईयर की खत्म हो चुकी है, इंटर की आपकी चल रही है, केमिस्ट्री का भी कुछ ऐसा ही हाल है। 25 अक्टूबर को आपका एंट्री टेस्ट है, तो बायो तो कोर्स ही बहुत पढ़ा है आपको पता है, फिर उसमें 80 MCQs आते हैं, तो थोड़ा की पॉइंट डिटेल में जाना पड़ता है क्योंकि MCQs थोड़ा डिटेल से की पॉइंट से आ जाते हैं निकल के। तो बायो तो आपका 20 अक्टूबर तक चलता रहेगा कंटिन्यू, तो बायो की तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है आपकी। मेरी कोशिश होगी तो बायो तो आपका चलता रहेगा। नहीं जी, डेट चेंज हुई है, 25 अक्टूबर हो गई है ये डेट, आप जा करके देखिएगा 25 अक्टूबर। फर्स्ट ईयर की नहीं कंप्लीट हुई केमिस्ट्री, तो हो जाएगी, थोड़ी सी रह गई है ना, थोड़ी सी रह गई है। तो मोस्टली आपके अब सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, ठीक है। 6 पढ़ लें तो 7-8 है ही, कितना सा छोटे से चैप्टर है, 7 में 8 तो ना होने के बराबर है, समझे आपकी हो गई, ठीक है ना। तो उसके बाद 2 चैप्टर बाकी हैं, उसके बाद चले इंटर हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री की ना। तो अब बायो आपकी, बायो बायो है, बायो मैं करवा दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखिए मैं डेली क्लास ले रहा हूँ, और एंड के दिनों में, एंड के दिनों से मुराद ये है कि नेक्स्ट वीक से क्लास 2 टाइम हो जाएगी आपकी, रात में भी होगी 8 से 9 और सुबह में भी होगी, यानी कि 3 से 5 में आपकी क्लास, ठीक है, याद रखिएगा। वायरल कोर्स आपका वाइंड अप हो जाएगा क्योंकि बायो फर्स्ट ईयर टाइम लेगी, एंटर इतना टाइम नहीं लेगी। एंटर में जेनेटिक्स के 4 चैप्टर हैं, 6, 7, 8, 9 एक साथ हो जाएंगे। एनवायरनमेंट के 3 चैप्टर हैं, उनको कलेक्टिवली पढ़ लेंगे। बचा पीछे क्या, बच्चा पीछे क्या, सपोर्ट मूवमेंट बचा, मसल्स हैं, स्केलेटन है, सिंपल चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर किडनी है, उसके ऑस्मोरेगुलेशन है, सिंपल है चैप्टर। टाइम लेगा कौन सा, 3rd चैप्टर हार्मोन्स वाला, बाकी सब हो जाएगा इंशाल्लाह। एंडरगोनिक रिएक्शन देखें, फर्स्ट ईयर टाइम लेता है, इंटर टाइम नहीं लेता इतना हमारे पास। अच्छा देखिए, एंडरगोनिक में क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के, अगर एटीपी किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर यूज होगी, लिपिड्स फॉर्मेशन में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन में, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है उसके अंदर क्या होगा, अगर इन फंक्शन के अंदर, वो टेस्टिंग नहीं होती कादिर का, देखें कादिर को कहा भी है 10 दफा कि भले टेस्ट बना के हमें दे दो, हम उसको कंडक्ट कर लेंगे, तो अपने एमफिल के चक्कर में थोड़ा सा उलझा हुआ है। आज उसका 2nd सेमिनार था, रात को उसने कॉल भी की थी, इसी चक्कर में क्लास नहीं ले पाऊंगा, और मैंने कादिर से कहा डेली क्लास ले, तो इंशाल्लाह कल से वो डेली क्लास लेगा आपकी ना। और जेपी से भी कहा है, जेपी कह रहा है कि मैं नेक्स्ट वीक से, मतलब संडे से स्टार्ट करूंगा टेस्टिंग, तो उसकी भी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, उसकी भी हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है। अच्छा जी चलें, ठीक है कि आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस में एनर्जी चाहिए होती है, कोई बताए मुझे, आप में से कोई बताए मुझे प्रोटीन सिंथेसिस में एनर्जी चाहिए, कब चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एनर्जी, कब चाहिए। अलिशबा तुम बताओ, ट्रांसलोकेशन अलिशबा कब चाहिए, यस अमाइनो एसिड को ब्रिंग करने के लिए, 3 RNA के
जो दो मैंने पार्ट्स आपको बताए थे ना, टीआरएनए मैंने कहा था इस तरीके से होगा, यूएसी या नाइट्रोजन, ये जो क्रिस क्रॉस पार्ट है, इस क्रिस क्रॉस पार्ट के पास क्या स्टोर होगी एटीपी, इसकी मदद से ये टीआरएनए को ब्रिंक करेगा और राइबोसोम पे बाइंड करेगा। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप जानते ही हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, कि मूवमेंट ऑफ आइंस और मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ आपके पास क्या है, यानी कि किस तरफ जाएगा, लोअर टू हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, बाय द यूज ऑफ सेल मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी जिसको कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन के लिए भी देखें प्लांट्स क्या करते हैं, एटीपी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तो अगर इन प्रोसेसेस में कोई एनर्जी यूज हो रही है तो उस एटीपी को आप क्या कहेंगे, इन रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, एंडरगोनिक रिएक्शन। ये एमसीक्यूज आ सकता है, किस रिएक्शन, ये एक प्रोटीन सिंथेसिस में जो एटीपी यूज होती है उसको क्या रिएक्शन का नाम देते हैं, एंडरगोनिक रिएक्शन। उसके बाद एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, देखिए एक्सर्गोनिक रिएक्शन में जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, एनएरोबिक आपके पास क्या है, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलाइरेशन वगैरह, ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलाइरेशन वगैरह में जो एटीपी एनर्जी होती है यूटिलाइज होती है, उन रिएक्शन को हम किसका नाम देते हैं, एक्सर्गोनिक रिएक्शंस का नाम देते हैं, एक्सर्गोनिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये दो ही रिएक्शन याद रखिएगा। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं, मैं इसको रिमूव करता हूँ, हम चलते हैं फोटोसिंथेसिस के ऊपर थोड़ा सा, और सेलुलर रेस्पायरेशन को डिस्कस करते हैं ये क्या है, ठीक है। देखें नंबर वन, पहले मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा, कौन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, किसको एनर्जी नहीं चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस को एनर्जी नहीं चाहिए होती है। अच्छा, पक्की बात है, ग्लाइकोलाइसिस के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, कच्ची बात है, कच्ची बात हो भाई, क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए भी एनर्जी, बिना एनर्जी के ये बायोकेमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकते बॉडी के अंदर। देखिए ना, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट चेंज इनटू 3 कार्बन कंपाउंड पाइरूविक एसिड, तभी तो हम इस रिएक्शन को किसका नाम दे रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को देखिए ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, सुने मेरी बात, बात सुने, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एनर्जी। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो चेंज होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज होता है फ्रुक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट में बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एनर्जी। तो अगर एटीपी एनर्जी ना हो तो ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज नहीं होगा, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज नहीं होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट में नहीं जाएगा, फिर फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट फॉस्फोग्लाइसिल एल्डिहाइड में कैसे जाएगा, फिर आपके पास ये फॉस्फोग्लाइसेट एल्डिहाइड 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसेट में कैसे जाएगा, अगर एटीपी ना हो तो 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसेट जो है 3-फॉस्फोग्लाइसेट में कैसे चेंज होगा, और अगर ये 3-फॉस्फोग्लाइसेट में चेंज ना हो तो फिर फॉस्फोफिनॉल पाइरूवेट, या फिर इसको पाइरूवेट कहते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, वो कैसे चेंज होगा। तो भाई एटीपी के बगैर तो हो ही नहीं सकता, ये रिएक्शन कहाँ से पढ़ लिया तुमने अमन खान, है बहन जी, इसके अंदर तो एटीपी एनर्जी यूज होगी, बिना एटीपी के तो ये रिएक्शन ही नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं, आपके पास ये फोटोसिंथेसिस और नहीं, होगी यूज, होगी भाई इन दोनों में होगी, एटीपी जो ग्लाइकोलाइसिस में और फास्फो ऑक्सीडेटिव फास्फोलाइरेशन में एटीपी की फॉर्म यूज हो रही है, इन दो रिएक्शन के अंदर एटीपी जो यूज होती है उसको हम एक्सर्गोनिक रिएक्शंस का नाम देते हैं, कि वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है आपके पास, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा देखते हैं,
जल्दी से मीटिंग ऑफ होगी, दोबारा आएंगे 2 मिनट के बाद। फोटोसिंथेसिस बड़ा सिंपल है, फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस प्रिपेयर करना। इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिच एनर्जी कंपाउंड एटीपी आर यूज इन टू फॉर्म, याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी आर यूज इन टू फॉर्म, वन इज फोटोसिंथेसिस, अदर इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट में होगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जिसमें सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, एटीपी के अंदर। सोलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, एटीपी में। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस ये कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ठीक है, और इसके अंदर रेस्पिरेशन, केमिकल एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ना डे टाइम में, वो ब्रेक होता है, वो ब्रेक होता है, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। उसके ब्रेक होने से क्या आती है, एनर्जी, कौन सी, एटीपी एनर्जी आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एनर्जी दो फॉर्म में यूज हो रही है, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। अब डिटेल डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस की पहले, कि बेसिकली क्या है फोटोसिंथेसिस, रिएक्टेंट इसका क्या है, प्रोडक्ट इसका क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद कहीं जा करके हम डिस्कस करेंगे डिटेल में लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा जी, इसको रिमूव करता हूँ, आगे चलते हैं, मेरे ख्याल मीटिंग ऑफ